वेलकम बैक दोस्तों, आज की मूवी का नाम है द आइस ऑफ माई मदर। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई। उसी तरह एक सम काइंड ऑफ हॉरर डिस्टर्बिंग मूवी है। ये कहानी एक लड़की की है। इस लड़की की हरकतें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदा अपनी ट्रक लेकर कहीं पर जा रहा होता है। बीच रास्ते पर ये ट्रक वाला बंदा एक औरत को देखता है। देखते ही देखते ये औरत बीच सड़क पे सो जाती है। उसके बाद वो ट्रक वाला बंदा फौरन उस औरत के पास जाता है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, हस्बैंड वाइफ और एक छोटी बच्ची। इस बच्ची का नाम है फ्रांसिस्का और एक्चुअली ये लोग सिटी से बहुत ही दूर रहते हैं। फ्रांसिस्का की माँ पुर्तगाल में एक सर्जन थी। शायद शादी होने के बाद इसने ये जॉब छोड़ दी। फ्रांसिस्का की माँ फ्रांसिस्का को ह्यूमन एनाटॉमी दिखाने के लिए एक दिन अपने फार्म के एक गाय को मार देती है। उस बॉडी के अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं फ्रांसिस्का की माँ फ्रांसिस्का को बताने लगती है और इसी तरह आई के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये भी फ्रांसिस्का की माँ फ्रांसिस्का को दिखाने लगती है। एक दिन फ्रांसिस्का अपने घर के बाहर खेल रही होती है, तभी एक स्ट्रेंजर अपने हाथ में कुछ चीजें लेकर फ्रांसिस्का के पास आता है। फ्रांसिस्का से बात करने लगता है। घर के अंदर से फ्रांसिस्का की माँ इस चीज को देख लेती है। फ्रांसिस्का की माँ फौरन इस बंदे के पास आती है। ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि इसका नाम चार्ली है और फ्रांसिस्का की माँ से पूछने लगता है कि आपका हस्बैंड घर में है। उसकी माँ कहने लगती है कि कुछ ही देर में वो आने वाले हैं और वैसे भी जो कुछ भी तुम सेल कर रहे हो हमें नहीं चाहिए। चार्ली कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी चीज को बेचने के लिए नहीं आया हूँ, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। फ्रांसिस्का की माँ चार्ली को अपने घर के अंदर बुलाती है, उसे बाथरूम का डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन चार्ली वॉशरूम में जाने के बजाय बेफिजूल की बातें करने लगता है, जैसे आपके हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए, क्या आज उनको लेट होगा, आपका घर बहुत ही सुंदर है, क्लीन नीट है। चार्ली की बातें और इसकी हरकतें देखकर फ्रांसिस्का की माँ को शक होने लगता है और उसे घर के बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन तब भी चार्ली अपने पॉकेट से गन निकालकर माँ बेटी पर पॉइंट करता है और फ्रांसिस्का को साइड में बैठने के लिए कहता है। उसके बाद चार्ली फ्रांसिस्का की माँ को वॉशरूम दिखाने के लिए कहता है। ये दोनों वॉशरूम के अंदर जाते हैं। यहाँ पर यह सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस्का का फादर अपने घर वापस आता है। घर के अंदर जाने के बाद ये बंदा ये देखता है कि इसकी बेटी फ्रांसिस्का चुपचाप किसी जगह पर बैठी है। अपनी बेटी से सवाल करने लगता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। तभी फ्रांसिस्का के फादर को बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब इसका फादर बाथरूम ओपन करता है तो उस वक्त चार्ली अपने गन से फ्रांसिस्का की माँ के सर पे बार बार मारते रहता है, बहुत ही ब्रूटली उसका मर्डर कर देता है। ये देखने के बाद फ्रांसिस्का का फादर फौरन चार्ली को नॉकआउट कर देता है। उसके बाद फ्रांसिस्का का फादर चार्ली को अपने बार में ले जाकर उसके हाथ पैर चैन से बांध देता है। रात होने के बाद बाप बेटी ये दोनों फ्रांसिस्का की माँ की लाश को अपने घर के पीछे ले जाकर दफना देते हैं। यह होने के बाद बाप बेटी वापस अपने घर में आकर टीवी देखने बैठ जाते हैं। इसी दरमियान में चार्ली फ्रांसिस्का को बुलाते रहता है, फ्रैनी प्लीज मेरे पास आओ, मेरे हाथ पैर खोल दो। दूसरे दिन फ्रांसिस्का चार्ली को देखने के लिए चार्ली के पास जाती है और चार्ली के बॉडी पर जो जख्म होते हैं उनके ऊपर मरहम पट्टी करती है। इसी दरमियान में फ्रांसिस्का चार्ली से सवाल करने लगती है, क्या तुमने पहले भी ये काम किया था, क्या तुमने किसी को पहले भी मारा था। चार्ली कहने लगता है हाँ। फ्रांसिस्का सवाल करने लगती है, ये काम क्यों करते हो। चार्ली कहने लगता है कि मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है, मुझे बहुत ही थ्रिलिंग सी फीलिंग होने लगती है। मतलब चार्ली सम काइंड ऑफ साइको किस्म का बंदा होता है। चार्ली सवाल करने लगता है, तुम मुझे मार दोगी ना। फ्रांसिस्का कहने लगती है, नहीं मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, तुम मेरे एक लौते फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद फ्रांसिस्का चार्ली का बहुत ही बुरा हाल बनाती है, उसकी दो आँखें छीन लेती है और उसी तरह उसका वोकल कॉर्ड्स भी निकाल लेती है ताकि चार्ली आवाज ना कर सके। ऐसा करने के बाद फ्रांसिस्का चार्ली के आंख और गले पर पट्टी बांध देती है। फ्रांसिस्का चार्ली की आंखों को ले जाकर अपने फ्रिज में स्टोर करती है। अपनी वाइफ की मरने की वजह से फ्रांसिस्का का फादर बहुत डिप्रेस फील होने लगता है। एक दिन फ्रांसिस्का चार्ली को एक मरे हुए चूहे का गोश्त खिलाती है। मतलब फ्रांसिस्का चार्ली को कुछ अजीब अजीब की चीजें खिलाती रहती है। खैर कुछ सालों बाद जब फ्रांसिस्का अडल्ट हो जाती है इसके फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन फ्रांसिस्का अपने फादर की डेड बॉडी को कहीं पर भी नहीं दफनाती, वो अपने ही घर में प्रिजर्व करके रखती है। उसके साथ खाती है, पीती है, उसके साथ बातें करती है, उसको नहलाती है। जिंदे लोगों के साथ जिस तरह से बर्ताव करते हैं फ्रांसिस्का अपने फादर के साथ उसी तरह से बर्ताव करती रहती है और उतने सालों तक भी फ्रांसिस्का चार्ली को उसी कमरे में बांध के रखती है। एक दिन बेचारी फ्रांसिस्का अलोन फील होने लगती है। ये डिसाइड होती है कि ये अपने घर से बाहर जाएगी, कहीं पर घूमेगी।
उसी रात फ्रांसिस्का अपनी कार लेकर एक बार में जाती है। उसी बार में फ्रांसिस्का को किमिको नाम की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। फ्रांसिस्का किमिको को अपने घर लाती है। इसी बातों ही बातों में किमिको फ्रांसिस्का से उसकी माँ के बारे में पूछने लगती है। फ्रांसिस्का बताने लगती है कि इसकी माँ मर चुकी है, किसी ने इसको मार दिया। इस तरह से फ्रांसिस्का अपनी माँ को याद करके बहुत फील होने लगती है। फ्रांसिस्का को दिलासा दिलाने के लिए किमिकी इसको पप्पी शप्पी करती है। उसके बाद किमिको फ्रांसिस्का से उसके फादर के बारे में पूछने लगती है। फ्रांसिस्का बहुत ही कैजुअली कहने लगती है कि मेरे फादर मर गए हैं, मैंने उनको मार दिया। यह सुनने के बाद किमिको यह समझने लगती है कि फ्रांसिस्का इसके साथ जोक कर रही है, लेकिन फ्रांसिस्का के चेहरे से साफ पता चल जाता है कि फ्रांसिस्का जोक नहीं कर रही। किमिको समझ जाती है कि फ्रांसिस्का कुछ सटकी हुई लड़की है। वो फौरन अपने घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस्का किमिको को जाने नहीं देती, उसे मार देती है। किमिको को मारने के बाद फ्रांसिस्का उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके सारे ऑर्गन्स को फ्रिज में रखती है। उसी रात फ्रांसिस्का आधी रात को अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। फ्रांसिस्का फौरन चार्ली को अपने घर में लाती है, उसे स्नान करवाती है। स्नान करवाने के बाद फ्रांसिस्का चार्ली को अपने बेडरूम में लाती है, उसके साथ कांड करने लगती है। थोड़ी देर के बाद फ्रांसिस्का ये देखती है कि इसके बगल में चार्ली नहीं है। फ्रांसिस्का फौरन अपनी नींद से जाग के चार्ली को अपने घर में ढूंढने लगती है। तभी फ्रांसिस्का खिड़की से ये देखती है कि चार्ली इसके घर से बाहर भाग रहा है। अब बेचारे के आँख और आवाज़ तो नहीं होती, बहुत ही मुश्किल से बेचारा चार्ली इधर उधर जाते रहता है। फ्रांसिस्का फौरन अपने हाथ में चाकू लेकर चार्ली के पास जाती है। चार्ली के सामने आकर उसे बार बार स्टैप करके उसे मार ही देती है। फ्रांसिस्का चार्ली के कान में कहने लगती है, चार्ली तुमने सच कहा, इट फील्स अमेजिंग, लोगों को मारने में बहुत मजा है। उसे मारने के बाद फ्रांसिस्का अपने फादर के डेड बॉडी के सामने आकर डांस वगैरह करती है। दूसरे दिन फ्रांसिस्का चार्ली और अपने फादर के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में जाकर इन दोनों की डेड बॉडीज को जला देती है। ये करने के बाद फ्रांसिस्का बहुत रोने लगती है कि अब ये और अकेली पड़ चुकी है और पता नहीं इसको अब क्या करना चाहिए। रोते रोते फ्रांसिस्का उसी जंगल में सो जाती है। सुबह होने के बाद फ्रांसिस्का जंगल के थ्रू एक हाईवे के पास आकर पहुंचती है। तभी वहां से एक कार गुजरने लगती है। फ्रांसिस्का उस कार को रोक देती है, लिफ्ट पूछती है। उस कार में एक माँ और उसका छोटा बच्चा होता है। इस औरत का नाम है लूसी और उसके बच्चे का नाम है एंटोनियो। फ्रांसिस्का लूसी को इसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए कहती है, इसके घर का डायरेक्शन बताती रहती है। जब फ्रांसिस्का का घर आ जाता है तो फ्रांसिस्का लूसी से कहने लगती है, क्या मैं एक बार तुम्हारे बच्चे को अपने हाथ में ले सकती हूँ, बहुत ही प्यारा बच्चा है। फ्रांसिस्का उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर फौरन अपने घर के अंदर भागने लगती है। बेचारी लूसी अपने बच्चे को हासिल करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। घर के अंदर आने के बाद लूसी को ये बात पता चलती है कि इसका बच्चा ऊपर वाले कमरे में है, रो रहा है। जब लूसी अपने बच्चे को लेने के लिए ऊपर जाती है, तभी फ्रांसिस्का इसके पीछे स्टैब कर देती है चाकू से। उसके बाद फ्रांसिस्का लूसी को उसी बार में ले जाकर उसके हाथ पैर चैन से बांध देती है, और जिस तरह से इसने चार्ली के साथ किया था, मतलब उसकी आँख और वोकल कॉर्ड निकाल लेती है। बेचारी लूसी देख और बोल नहीं सकती। खैर, देखते ही देखते एंटोनियो 8 या 9 साल का बच्चा हो जाता है। एंटोनियो फ्रांसिस्का को अपनी माँ मान रहा होता है। इतने सारे सालों में एंटोनियो ये देखता आ रहा है कि फ्रांसिस्का हमेशा उस बार में आती जाती रहती है। एक दिन रात एंटोनियो को क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि उस बार में क्या है। जब फ्रांसिस्का सो रही होती है, एंटोनियो उस बार में जाता है। अंदर जाने के बाद एंटोनियो अपनी माँ को देखता है, जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। अब लूसी के पास आवाज नहीं होती। जब लूसी अपने गले से आवाज निकालती है तो उसके गले से कुछ अजीब ही आवाज निकलती है, जैसा लगता हो कि कोई जानवर रोर कर रहा हो। एंटोनियो बेचारा डर के मारे अपने घर के अंदर भाग जाता है। दूसरे दिन एंटोनियो फ्रांसिस्का से यही सवाल करने लगता है कि उस बार में कौन है, लेकिन फ्रांसिस्का एंटोनियो को जवाब नहीं देती। उल्टा उससे ये कहने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि वहाँ पर जाना मना है, दोबारा वहाँ पर मत जाना। दूसरी रात जब फ्रांसिस्का सो रही होती है, एंटोनियो चुपचाप उस बार में जाकर लूसी के हाथ पैर खोल देता है और वो फौरन दोबारा फ्रांसिस्का के पास आ जाता है। बेचारी लूसी धीरे धीरे करते हुए उस बार से बाहर जाने लगती है। दूसरे दिन फ्रांसिस्का ये देखती है कि उस बार का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाने के बाद इसको ये बात पता चलती है कि अंदर लूसी नहीं है, वो वहाँ से भाग चुकी है। इस तरह बेचारी लूसी किसी भी तरह करके रोड के पास पहुँच जाती है। रोड को फॉलो करते हुए बेचारी धीरे धीरे जाने लगती है। तभी कुछ ही देर में उस रास्ते से एक ट्रक गुजरने लगती है। इस ट्रक को देखने के बाद लूसी फौरन इस रोड के बीचों बीच सो जाती है, और यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फौरन वो ट्रक वाला बंदा लूसी को रेस्क्यू कर लेता है।
उसी रात फ्रांसिस्का एंटोनियो को सुलाकर अपनी माँ के कब्र के पास जाती है, अपनी माँ की कब्र खोदती है, अपने माँ के स्केलेटन को निकालकर कहने लगती है कि माँ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, काश तुम मेरे बच्चे एंटोनियो को देख पाती, वो बहुत ही अच्छा प्यारा बच्चा है। और जब वो वापस अपने घर आ रही होती है तो फ्रांसिस्का कुछ पुलिस की कार्स को देखती है जो फ्रांसिस्का के घर की तरफ जा रहे होते हैं। फ्रांसिस्का फौरन भागते हुए एंटोनियो के पास जाती है और अपने हाथ में चाकू लेकर एंटोनियो के साथ बाथरूम में छुप जाती है। फ्रांसिस्का के दरवाजे के बाहर बहुत सारी पुलिस आई होती है, दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है। फाइनली पुलिस दरवाजा तोड़ के घर के अंदर एंटर होती है। उसके बाद हम ऑडियंस को एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जैसा लगता हो कि पुलिस वाले फ्रांसिस्का को मार दिया। इस तरह से इस पागल लड़की की कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।